सो हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरी वन सो दिस इज अभय खेडिया वेलकम टू अन अकेडमी बच्चा लोग आज के सेशन में आपको मैं थर्मो की कंप्लीट एन सी आर टी डिस्कशन करने वाला हूँ और आपने अगर सेशन को बहुत अच्छे से देखा है तो मैं आपको बता रहा हूँ गारंटी दे रहा हूँ आपको किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत नहीं आएगी बहुत सिंपल क्वेश्चन हैं बट यस आपके कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए सर येस टूडे विल हैव अ डिस्कशन ऑफ एन सी आर टी डिशन एंड विल डिस्कस ईच एंड एवरी क्वेश्चन फ्रॉम दी एन सी आर टी सो बच्चा लोग लेट मी फर्स्ट इंट्रोड्यूस माई सेल्स सो दिस इज अभय खेडिया मैं बेटा ग्रेजुएट फ्रॉम मैकेकैनिकल इंजीनियरिंग एंड मोर देन फोर ईयर्स ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस आई डू हैव टू द स्टूडेंट्स ऑफ जेई नीट एंड सी बी एस ई आपको अन अकेडमी के शानदार प्लेटफॉर्म से मैं आपको केमिस्ट्री पढ़ाने वाला हूँ बेटा सी बी एस सी प्लेटफॉर्म के पॉइंट सबी एस ई ओरेंटेड जहाँ हम कॉन्सेप्ट को बहुत डिटेल में सीखेंगे बेटा मैं बार बार बोल रहा हूँ मेरा बोलने का तरीका मैं बार बार भले रिपीट कर रहा हूँ बट आए एम गोइंग टू टेल यू कि हम कॉन्सेप्ट में फोकस बहुत करेंगे न्यूमेरिकल तो आप इजिली क्रैक कर लेंगे वंस अर कॉन्सेप्ट आर टोटली स्ट्रांग आप किसी भी क्वेश्चन में थ्योरी में आपकी गलतियाँ नहीं होंगी कम से कम गलतियाँ होंगी और हम अपने सेशंस में उसी चीज़ में फोकस ज़्यादा करेंगे ठीक है ना तो बिफोर वी गो टू द सेशंस एक चीज़ और बताना चाह रहा हूँ आप लोगों को यार यार अन अकेडमी इज ऑल्सो हैविंग अ प्लस प्लेटफॉर्म जहाँ पे अनकेडमी के लर्निंग ऐप में हमारा अनएकैडमी का लर्निंग ऐप है न इन दिस पर्टिकुलर एप्लीकेशन ऑल्सो हमारी डेली बेसिस में लाइव क्लासेस होती हैं जिसको हम बोलते हैं प्लस ना यहाँ पे आप एक्चुअली पे करके आओगे ना जब आप यहाँ पे पे करके आओगे ना बेटा तो यहाँ पे एक, एक एडिशनल बेनिफिट क्या है कि वहाँ पे लाइव क्लासेस तो वहाँ भी होती है बट वहाँ पे एक ऐसा सिस्टम है एक ऐसा मैनेजमेंट है कि फाइनली हम आपसे इंटरेक्ट कर पाते हैं इनफैक्ट आप हमसे इंटरेक्ट कर पाते हो दैट इज़ वॉट आई एम ट्राइंग टू वेक यू से कि भाई आपने सर पूछा कुछ मन में डाउट आया कुछ क्वेश्चन आया और वो आपने अल्टीमेटली क्लास में ही पूछ के आपने इसको क्लियर कर लिया दैट इज़ हाउ वी आर इंटरेक्टिंग आपके पास बहुत चारित्री पूछो आप क्वेश्चन लेके आते हो आप क्वेश्चन को आपके पास होता है कि क्वेश्चन का स्नैप लेके आओगे आप डाउट्स पूछ लो सो so बेसिकली एक होता है ना कि भाई सर हमारा है, सर कुछ भी चीज नहीं पच रहा है हम जब क्लास में क्लास से बाहर निकल रहे हैं तो आज की क्लास का मेरे को पूरा का पूरा अंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई पूरा समझ में आया कोई डाउट नहीं रहा मन में कोई शंका नहीं थी सो दैट इज हाउ वी आर लर्निंग ऑन दी प्लस सो प्लस इज गोइंग टू यर मेक यूअर बेनिफिट कि आपको पूरी अंडरस्टैंडिंग होगी कोई डाउट नहीं रहेगा चैप्टर पढ़ने के बाद बिकॉज पढ़ते पढ़ते समय में डाउट्स आते हैं ठीक है ना सो यू कैन ज्वाइन एंड यू कैन यूज दिस कोड ए के सी लाइफ टू गेट एडिशनल टेन परसेंट डिस्काउंट आप सब्सक्रिप्शन में टेन परसेंट डिस्काउंट ले सकते हैं हमारे सब्सक्रिप्शन में यू हैव टू यूज दिस कोड ए के सी लाइफ आपको टेन परसेंट डिस्काउंट अन अकेडमी से मिल जाएगा ठीक है और आपकी जो प्राइसेज है दिस फोर्टी टू ईयर प्राइसेस और इसकी प्राइस आपको पढ़ रही ट्वेंटी टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड इसके बारे में और भी डिटेल में बात करूंगा हमारे सेशन के एंड में सो प्लीज़ एंड तक बंद रहना तो आपको प्लस के और भी बेनिफिट्स आपको बताऊंगा एंड ऑल्सो यू कैन ज्वाइन दिस चैनल ऑन टेलीग्राम हमारा एक चैनल है जो हमारे आपके बीच में कम्युनिकेशन चैनल है फ्रॉम दिस पर्टिकुलर चैनल हम आपको अपडेट करते हैं कि भैया लोग कल की क्लास में क्या क्या होने वाला है कल के दिन में क्या क्या होने वाला है सो दैट यू कैन बुक योर कैलेंडर्स योर टाइम टेबल्स एंड फाइनली आप क्लासेज को अटेंड कर सकते हैं आपको इधर उधर भागने की जरूरत नहीं आपको सर्च करने की जरूरत नहीं सभी लेक्चर्स के लिंक आपको इसी चैनल पर मिल जाएंगे सो यू कैन ज्वाइन दिस चैनल लाइफ डेली डॉट मी स्लैश चैट एट एन अकेडमी सी बी एस ई इलेवेंथ एंड ट्वेल्थ ठीक है चलिए बच्चा लोग सो तो आज का सेशन अपन शुरू करते हैं एंड वी वीट विकस एन सी डिस्कशन ऑफ थर्मोडानेमिक्स बहुत सिंपल क्वेश्चन हैं हाँ बट हर एक क्वेश्चन में कुछ ना कुछ सीखने को आपको जरूर मिलेगा सो तो लेट्स कंप्लीट दैट चलिए तो पहला सवाल आपके सामने लिखा है चूज द करेक्ट आंसर अ थर्मोडानेमिक स्टेट फंक्शन इज अ क्वांटिटी स्टेट फंक्शन क्या होता है आपसे पूछा है बेसिकली स्टेट फंक्शन क्या होता है सो हमने चीज़ पढ़ी थी बेटा दो टाइप के फंक्शन होते हैं एक स्टेट फंक्शन पाथ फंक्शन स्टेट फंक्शन क्या होते हैं स्टेट फंक्शन आर दो फंक्शन विच डज नॉट डिपेंड्स ऑन द प्रोसेस फॉलोड

सिंपल क्वेश्चन कंडीशन क्या होती है जहां क्यू का वैल्यू क्या होता है जीरो होता है सो आई थिंक ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर सिंपल क्वेश्चन है यूपीएससी कन्वेंशन एनथेलपी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एलिमेंट्स इन द रेफरेंस स्टेट क्या था जीरो था जैसे फॉर एग्जाम्पल एग्जाम्पल के तौर पर जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपने मुझसे पूछा कि एंथेल्फी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन सो ऑक्सीजन का रेफरेंस स्टेट so, क्या है ओ टू सो एंथेल्फी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ओ टू गैस क्या रहेगा मेरे लिए जीरो रहेगा सो आई थिंक द करेक्ट आंसर इज वन जीरो ठीक है so, ना नेक्स्ट क्वेश्चन डेल्टा यू फॉर द कंबशन ऑफ मिथेन माइनस एक्स जूल पर मोल द वैल्यू ऑफ डेल्टा एच इज़ आपसे पूछ रहा है कि डेल्टा एच का वैल्यू ग्रेटर देन डेल्टा यू है इक्वल टू डेल्टा यू है फिर जीरो ही है या फिर लेस देन डेल्टा यू है अब आपको ये पता है कि कंबाशन ऑफ मिथेन का डेल्टा यू आपको पता है क्वेश्चन में कितना है माइनस एक्स किलो जूल पर मोल डेल्टा यू और डेल्टा एच के बीच में रिश्ता बताया था फॉर ए केमिकल रिएक्शन डेल्टा यू डेल्टा एच के बीच में रिश्ता बताया था आपको दैट इज डेल्टा एच इक्वल्स टू तो डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी जब भी केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व है तो डेल्टा यू डेल्टा एच के बीच में ये रिलेशन आपको काम आएगा अगर केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व नहीं है कुछ चेंज ऑफ स्टेट है गैस स्टेट वन टू स्टेट टू जा रही है तब डेल्टा एच इकोज टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा पी वी काम आएगा बट ये डेल्टा एन जी आर टी कहाँ इन्वॉल्व होगी जब केमिकल रिएक्शन आएंगी ठीक है ना इसका प्रूफ हमने किया है बट फाइनली इसको, इसको इस रिजल्ट को आपको ध्यान रखना है चलो तो अल्टीमेटली अब रिएक्शन कौन सी यहाँ पे यहाँ पे रिएक्शन है सर हमारी कंबशन ऑफ मिथेन तो बेटा पहले कंबशन ऑफ मिथेन की रिएक्शन लिखो क्यों चाहिए सर कंबशन मिथेन की रिएक्शन बिकॉज आपको डेल्टा एनजी पता करना है डेल्टा एनजी ही बताएगा कि वो डेल्टा यू से बड़ा है छोटा है इक्वल दूसरी इसी की बात अच्छा कर पाओगे कैसे चलो देखते हैं केमिकल रिएक्शन लिखो सो इट इज सी फोर गैस प्लस ओ टू गैस कंबशन में ऑक्साइड क्या बनेंगे सी टू गैस प्लस एच टू ओ लिक्विड रिएक्शन को बैलेंस करो इसका वन ही रहना चाहिए सो इट इज थोड़ा साफ सुथरा लिख दे यहाँ पे दिख नहीं रहा तक प्लस चलो बैलेंस करते हैं सो चार हाइड्रोजन तो टू एच टू कार्बन एक बैलेंस्ड सो कितने ऑक्सीजन हो गए चार सो इट इज़ टू ओ टू देव फोर हम डेल्टा एन जी जब निकालेंगे तो डेल्टा एन जी आएगा वाटर तो लिक्विड है सो इट इज़ वन माइनस वॉट इज डेल्टा एन जी इट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैशियस प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैशियस रिएक्टेंट सो इट इज़ वन माइनस इट इज़ वन प्लस टू कितना आ गया इट इज़ माइनस टू डेल्टा एन जी का वैल्यू माइनस टू है बस हमारा काम खत्म वैल्यू नहीं पूछा है देयरफॉर डेल्टा एच क्या लिखोगे आप डेल्टा एच लिखोगे डेल्टा यू जिसका वैल्यू कितना है माइनस एक्स प्लस डेल्टा एनजी कितना है सो जी so, से भी कम हो रहा है डेल्टा एच का वैल्यू माइनस एक्स है माइनस थर्टी है वो माइनस थर्टी फाइव हो रहा है माइनस फोर्टी हो रहा है इट मीन डेल्टा एच इज लेस देन डेल्टा यू डेल्टा यू अगर माइनस थर्टी है तो माइनस थर्टी फाइव हो रहा है और वैल्यू कम हो रही है सो द करेक्ट आंसर इज डी भाई माइनस टू आर टी अगर प्लस टू आर टी आता तो बोलता कि सर डेल्टा एच का वैल्यू ज्यादा है एज कम्पेयर टू डेल्टा यू ठीक है ना सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा बस क्वेश्चन लिखना है सॉल्व करना है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फाइव क्वेश्चन नंबर फाइव में आपको क्या दिया है क्वेश्चन को पॉडेंट बहुत अच्छे से क्वेश्चन में डेटा शेयर किया आपको देन थेपी ऑफ कंबेशन ऑफ मिथेन ग्रेफाइट एंड डाई हाइड्रोजन कंबेशन का डेटा दिया आपको मिथेन का ग्रेफाइट का और डाई हाइड्रोजन का एट टू नाइनटी एट कैलविन आर माइनस एट्टी पॉइंट नाइन थ्री डेटा दिया आपको रेस्पेक्टिवली डिटरमाइन द एंथेलपी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी एच फोर सी एच फोर का एंथेलपी ऑफ फॉर्मेशन आपसे पूछा है सो अल्टीमेटली आपको कौन सा रिएक्शन का एंथेलपी चेंज पूछा है इस रिएक्शन का एंथेलपी चेंज पूछा है तो पहले इस रिएक्शन को लिखो तो सही पहले जो रिएक्शन का पूछा है उसको लिखो तो सही दी होती तो अच्छी बट यहाँ पे दिया नहीं है सो एंथेलपी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी एच फोर गैस बेटा कि वन वन मोल ऑफ सी एच फोर गैस इज फॉर्म फ्रॉम इट्स एलिमेंट इन दियर रेफरेंस स्टेट या स्टैंडर्ड स्टेट तो सी एच फोर का एक मोल बनाना है से बनाओगे स्टेट कार्बन स्टेट क्या है कार्बन ग्रेफाइट प्लस हाइड्रोजन स्टेट क्या एच टू गैस आपसे क्वेश्चन में इस रिएक्शन का जो डेल्टा एच है ये आपसे पूछा गया है अब आप क्वेश्चन को ऑब्जर्व करोगे तो आप देखोगे कि, कि आपको हर एक स्पीशीज का इंथेल्पी ऑफ कम्बशन क्वेश्चन में गिवन है देखो आपको एंथेल्पी ऑफ कम्बेशन ऑफ मिथेन दिया है आपको इंथेल्पी ऑफ कम्बेशन ऑफ ग्रेफाइट दिया है आपको एंथेल्पी ऑफ कम्बशन ऑफ मिथेन ग्रेफाइट और हाइड्रोजन तीनों का दिया है और जब जब आपके पास एंथेलपी ऑफ कंबेशन का डेटा होता है अगर आपके पास हर एक स्पीशीज का एंथेलपी ऑफ कंबेशन का डेटा है तो आप रिएक्शन का एंथेलपी चेंज निकाल सकते हैं डेल्टा आर एच निकाल सकते हैं इट इज एंथेलपी ऑफ कंबेशन ऑफ कंबेशन किसका कहते हैं रिएक्टेंट का सो इट इज एंथेलपी ऑफ कंबेशन ऑफ रिएक्टेंट माइनस एंथेल्पी ऑफ कंबेशन ऑफ प्रोडक्ट्स ये हमने क्लास में लिखा है कि भाई अगर आपको रिएक्शन में हर एक स्पीशीज का कंबसन का डेटा पता है तो उस रिएक्शन का चेंज निकाल सकते हैं ऑफ कंबशन ऑफ रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट बस सब्सिट्यूट करना यार मैं एक्सप्रेशन लिख देता हूं आप लोगों के लिए फिर भी सो डेल्टा आरएच क्या हो गया ऑफ रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट सो रिएक्टेंट में कौन है so, 2 of of... Sorry, 2 नहीं आएगा, आएगा. सिर्फ कार्बन की कोफिशिएंट तो वन ही ना सो इट इज एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ कार्बन प्लस टू इंटू ऑफ कंबशन ऑफ हाइड्रोजन माइनस प्रोडक्ट रिएक्टेंट हो गया प्रोडक्ट एंथेल्पी ऑफ कंबेशन ऑफ रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट प्रोडक्टीट्यूट करना बचा आपको कंबेशन ऑफ कार्बन कितना दिया आपको ग्रेफाइड विच इज कार्बन इट इज माइनस थ्री नाइन थ्री पॉइंट फाइव प्लस टू इन टू एंथेल्पी ऑफ कंबेशन ऑफ हाइड्रोजन कितना दिया आपको एच टू गैस कितना दिया माइनस टू माइनस बाहर ऑलरेडी है थैल्पी ऑफ कंपोशन ऑफ मिथेन कितना दिया हुआ क्वेश्चन में माइनस एट नाइन पॉइंट थ्री ध्यान रखना ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस मैं अपने आप को हाइड कर लूँ अगर आपको विजिबल नहीं हो रहा है बोर्ड देख लीजिए ऑफ एंड ऑफ कार्बन प्लस टू इंटू एन थे ऑफ हाइड्रोजन माइनस ब्रैकेट के बाहर है बिकॉज माइनस ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट है प्रोडक्ट में माइनस एट नाइंटी पॉइंट थ्री सोल्व करके सॉल्व करके हमारा आंसर आ जाएगा सिंपल सा क्वेश्चन है सॉल्व करके आपका आंसर आ जाएगा ठीक है

इट मीन्स सिस्टम में हीट रिलीज़ क्या हो रही है प्रोडक्ट जब बन रहा है रिएक्शन तो क्या हो रही है हीट रिलीज़ हो रही है इज फाउंड टू हैव अ पॉजिटिव एंट्रोपी चेंज इट मीन्स इस जो रिएक्शन है इस रिएक्शन का डेल्टा एस क्या है ग्रेटर देन जीरो है द रिएक्शन विल बी रिएक्शन विल बी आपसे पूछ रहा है कि रिएक्शन कब स्पॉन्टेनियस है लो टेम्परेचर हाई टेम्परेचर ये सब कहानी आपसे पूछना जा रहा है ये पार्ट हमने क्लास में किया था बच्चा आप लोगों को पता होगा तो वहाँ पे आपको कैसे कोरिलेट करना यार आपके पास ये पता है कि इस रिएक्शन का डेल्टा एस क्या है ग्रेटर देन ज़ीरो सिस्टम में हीट रिलीज हो रही है इट मीन्स इस रिएक्शन का डेल्टा एच क्या है डेल्टा एच क्या है आपका लेस देन जीरो हीट रिलीज मीन क्यू इज टू नेगेटिव तो हीट एक्सटेंडेड कॉन्स्टेंट प्रेशर आपका क्या है डेल्टा एच क्या है आपका लेस देन जीरो वैल्यूज आपको पता है तो इन ऑर्डर टू चेक द स्पॉन्टेनिटी हमने एक टर्म इंट्रोड्यूस किया था डैट इज डेल्टा जी देखो डेल्टा जी क्या है डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस अगर डेल्टा जी लेस देन जीरो है तो हम बोलते हैं प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस लेस देन जीरो ध्यान रखना डेल्टा so, एच का वैल्यू क्या आपका ये वैल्यू क्या आपकी नेगेटिव टी तो आपका पॉजिटिव है और डेल्टा एस भी क्या आपका पॉजिटिव है तो ये टर्म पूरा पॉजिटिव ये पूरा टर्म क्या हो गया आपका पॉजिटिव तो डेल्टा एच भी नेगेटिव माइनस नेगेटिव भाई माइनस एंड बाहर जो है ऊपर वो पूरी टर्म पॉजिटिव है तो पॉजिटिव माइनस नेगेटिव अल्टीमेटली माइनस ऑफ समथिंग नेगेटिव वैल्यू ठीक है वो कुछ माइनस फिफ्टी लिखा है तो अल्टीमेटली टोटल वैल्यू क्या नेगेटिव इट मींस टोटल वैल्यू क्या है नेगेटिव तो डे ऑफ डेल्टा जी क्या आपका नेगेटिव चाहे कोई भी टेम्परेचर हो कोई भी टेंपरेचर हो टेम्परेचर तो हमेशा पॉजिटिव है टी हमेशा कैलविन पॉजिटिव वैल्यू है चाहे कोई भी टेंपरेचर हो डेल्टा जी का वैल्यू हमेशा नेगेटिव आएगा सो विल सी दैट द प्रोसेस विल बी स्पॉन्टेनियस एट ऑल टेम्परेचर विल बी पॉसिबल एट ऑन पॉसिबल मीन्स स्पॉन्टेनियस पॉसिबल मीन्स स्पॉन्टेनियस ठीक है तो करेक्ट आंसर इज सी नेक्स्ट क्वेश्चन अभी बहुत सिंपल क्वेश्चन है इन अ प्रोसेस 701 जूल ऑफ हीट इज अब्सॉर्बड बाय द सिस्टम अब यहाँ पे साइन कन्वेंशन वाला फंडा बस मैंने आपको बताया है कि बेटा जब हीट अब्सॉर्बड बाय सिस्टम तो q को लेते हैं हम पॉजिटिव देयरफॉर क्यू का वैल्यू आप लिखेंगे प्लस +390 सॉरी इट इज +701 जूल एंड थ्री नाइनटी फोर जूल ऑफ वर्क इज डन बाय द सिस्टम वर्क डन बाय द सिस्टम इज टेकन एज नेगेटिव स्टेटमेंट बताया था एनीथिंग विच लीड्स टू डिक्रीज इन द एनर्जी ऑफ सिस्टम इज टेकन एज नेगेटिव साइन सो यहां पे यहां पे वर्क डन सिस्टम ने किया है सिस्टम ने वर्क डन किया इटमीन सिस्टम की एनर्जी कम हुई देखो क्यू का वैल्यू डब्लू क्या है माइनस थ्री नाइनटी फोर जूल आपसे चेंज इन इंटरनल एनर्जी पूछ रहा है तो फर्स्ट लॉ पता है फ्रॉम दी फ्लॉट फ्लॉट मीन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स दैट इज डेल्टा यू इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू डेल्टा यू पूछा है सर पता नहीं क्यू पता है सर कितना है सेवन जीरो वन प्लस डब्ल्यू कितना है माइनस थ्री नाइन्टी फोर सॉल्व करके आ जाएगा आपका प्लस टू जीरो सेवन जूल्स में ये आपका आंसर आ गया डेल्टा यू सिंपल क्वेश्चन बहुत सिंपल क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन हमने क्लास में काफ़ी प्रैक्टिस की है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को पढ़ा जाए द रिएक्शन ऑफ साइनामाइड माइट विच इज एनएच टू सी एन ठीक है ना

डेट ऑफ डेल्टा यू डेट इज माइनस सेवन फोर्टी टू पॉइंट सेवन किलो जूल पर मोल चलो ठीक है एनएच टू सी एन का हाइड्रोजन के साथ जो रिएक्शन है ये लिखा ना विद डाई ऑक्सीजन सॉरी ये रिएक्शन बेपो गिवेन है आपको कैलकुलेट एंड थे रिएक्शन आपसे डेल्टा एच पूछा है या सिंपल क्वेश्चन है यार रिएक्शन ये दे रखी है आपको क्वेश्चन ने आपसे डेल्टा एच पूछा है आपको डेल्टा यू पता है केमिकल रिएक्शन डेल्टा एच और डेल्टा यू के बीच में एक ही रिश्ता है फॉर ए केमिकल रिएक्शन बहुत बार बोला था बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन बोला था और ए केमिकल रिएक्शन डेल्टा यू डेल्टा एच के बीच में रिश्ता है बेटा केमिकल रिएक्शन के लिए जब गैस स्टेट चेंज करे स्टेट वन टू स्टेट टू तब फॉर्मूला से डेल्टा पी वी बट जब डेल्टा एन जी आर टी एच एक्सप्रेशन आता कब आता है कौन सा एक्सप्रेशन आता डेल्टा एच इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी बस इस रिएक्शन का आपको डेल्टा यू पता है टेम्परेचर पता है आर पता है आपको डेल्टा एन जी निकालना है और वो सबसे इजी पार्ट है व्हाट इज डेल्टा एन जी इट इज नंबर ऑफ समेशन ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैशेज प्रोडक्ट माइनस समेशन ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैशेज रिएक्टेंट तो बच्चा लोग डेल्टा एन जी निकाल लो कितना आएगा प्रोडक्ट्स में कितने मोल है बेटा वन प्लस यो टू के वन एच टू लिक्विड है माइनस थ्री बाई टू प्लस वन कितना आ गया वन माइनस थ्री बाई टू वन वन तो एक कैंसिल हो गया तो so, कितना आ गया वन माइनस थ्री बाई टू विच इज माइनस वन बाई टू यहाँ तक क्लियर तो सॉल्व करते हैं सोल्व करते समय आपको बस छोटी मोटी चीज़ों पर ध्यान रखना है ध्यान क्या रखना है सर आपको डेल्टा यू दिया है किलोजूल मोल चलो एक्सप्रेशन में सबस्टूट करते हैं सो डेल्टा एच निकालना है डेल्टा यू दिया है सर मेरे को माइनस सेवन फोर्टी टू पॉइंट सेवन किलो जूल दिया है ध्यान रखना चलो ठीक है प्लस डेल्टा एनची कितना दिया आपका माइनस वन बाई टू आ गया ठीक है सर अब यूनिट कौन सी चल रही है जूल वाली तो आर का वैल्यू भी कौन सकोगे जूल वाला बो बोला बेटा चैप्टर थर्मो है थर्मोडाइनिक्स आर की सिर्फ दो ही वैल्यू काम आती है या तो कैलोरी वाली जो टू कैलोरी होती है या तो जूल्स वाली ये लीटर एटम वाली यूनिट पे काम नहीं आती तो माइनस वन बाई टू इन आर का वैल्यू एट पॉइंट आप इसको ट्वेंटी फाइव बाई थ्री लिख लेना मैं तो बस पूरा एग्जैक्ट वैल्यू एट पॉइंट थ्री वन फोर इन टू टी कितना है आपका क्वेश्चन में टू नाइनटी एट कैलविन सही है क्या हो गया क्या करेक्ट है क्या यहाँ पे गलती है भाई साहब ये सर दिया है आपको किलो जूल में ये आपको दिया है किलो जूल में ये आर का वैल्यू जूल पर मोल कह तो जो डेटा आ रहा है ये आपका जूल में आ रहा है भाई किलो जूल जूल को ऐड कर सकते हो क्या नहीं बच्चा इसको भी कन्वर्ट करना है जूल्स में किलो जूल्स में तो डिवाइड बाय थाउजेंड अब ये क्वांटिटी कन्वर्ट किस में हो गई मेरी किलो जूल में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट बेटा यही सब चीज़ें बस गलतियां होती हैं हमसे क्लास में डिवाइड उज भी करेंगे बिकॉज आपको डेल्टा यू किस में दिया है, किलो जूल में या तो आप डेल्टा यू को जूल्स में कन्वर्ट कर लो इंटू थाउजेंड करके तब आप डिवाइड बाई था ना करो लेकिन अगर आपने ये किलो जूल में रखा है जो कि सिंपल का आंसर बिकॉज अल्टीमेटली आंसर आपसे एक्सपेक्ट करा है किलो जूल्स में तो डिवाइड बाई थाउजेंड कर लेना बिकॉज ये पूरा का पूरा टर्म किसम है जूल्स में आएगा डिवाइड बाई थाउजेंड के तब आपका किलो जूल में कन्वर्ट हुआ क्लियर है सॉल्व so कर लेना बच्चा आंसर आ जाएगा कोई टेंशन वाली बात नहीं है ठीक है चलिए सो so आगे बढ़ते हैं तो आंसर जो भी आएगा किलो जूल में आएगा बिकॉज हमने दोनों को किलो जूल में कन्वर्ट कर लिया नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए चलो कैलकुलेट अमाउंट ऑफ किलो जूल ऑफ हीट रिक्वायर्ड ठीक है टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 60 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम फ्रॉम 35 फाइव डिग्री सेल्सियस फिफ्टी फाइव डिग्री सेल्सियस आपका एक एल्यूमिनियम का ब्लॉक है जिसका मास कितना है आपका सिक्सटी ग्राम इसको आपको चेंज करना है टेम्परेचर को फ्रॉम टी वन इक्वल्स टू थर्टी फाइव डिग्री सेल्सियस टी टू इक्वल्स टू 55 डिग्री सेल्सियस और आपको क्वेश्चन में डेटा क्या गिवन है आपको क्वेश्चन में गिवन है मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ एल्यूमिनियम बस यही काम चाहिए था क्वेश्चन में वो क्या गिवन है मोलर हीट कैपेसिटी व्हाट डू मीन बाय मोलर हीट कैपेसिटी मोलर स्टैंड्स फॉर वन मोल वेन वन मोल ऑफ एल्यूमिनियम वन मोल ऑफ एल्यूमिनियम को हीट करते हो वन मोल ऑफ एल्यूमिनियम को एक डिग्री चेंज करने के लिए कितनी ही so बच्चा लोग यहां पर ध्यान रखना आपको अगर आप पूछा है एक मोल एल्यूमिनियम को तो मेरे पास कितना मोल एल्यूमिनियम क्वेश्चन कितने है? So ये एक मोल का डेटा है तो न, एन, एन मोल के लिए कितना हो जाएगा therefore, therefore, टोटल हीट रिक्वायर्ड कितना हो जाएगा टोटल हीट रिक्वायर्ड कितना इट इज डेल्टा टी लिखूंगा पे एनसी डेल्टा टी ना कि एमसी डेल्टा टी मास नहीं लिखूंगा बिकॉज क्वेश्चन में जो सी गिवन है मेरे को वो जो सी गिवन है दैट इज मोलर हीट कैपेसिटी तो बेटा मोल्स निकाल लो बस मोल्स क्या है आपके सिंस इट इज अ मोलर हीट कैपेसिटी अगर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होता था तो मैं एमसी डेल्टा टी लिखता स्पेसिफिक कैपेसिटी क्या होता है कि एक ग्राम सब्सटेंस को एक डिग्री चेंज करने की लगेगी तो अगर आपको एक ग्राम को पता है कितनी टी बट यहां पे सिंस मोलर हिट कैपेसिटी दिया है तो मैं इसको पहले सब्सटेंस को मोल्स में कन्वर्ट करूंगा आर यू गेटिंग एट तो कितने मोल्स एल्यूमिनियम के बेटा सिक्सटी बाय ट्वेंटी ये मोल्स आ गए इन टू स्पेसिफिक कैपेसिटी कितना है ट्वेंटी फोर इन टू डेल्टा टी कितना है बेटा फिफ्टी फाइव माइनस थर्टी फाइव कितना है ट्वेंटी टी ये जो भी आंसर आएगा जूल्स में आपका आंसर आ जाएगा बिकॉज यूनिट आपको जूल्स में दे रखिए अच्छा आई थिंक मैंने यहाँ पे ना आंसर करे करेक्शन नहीं किया सॉरी सॉरी माई मिस्टेक ये आंसर गलत है ना यार मैंने सब्सिट्यूट करना भूल गया हूँ सो आपका आंसर आ जाएगा जूल्स में सॉल्व कर लेना मैं आपको जस्ट बॉडी विजुअल करा दू ठीक है यहाँ तक क्लियर है चलिए अगला सवाल करते हैं अपन ठीक है क्वेश्चन नंबर टेन क्वेश्चन नंबर टेन थोड़ा एक अच्छा क्वेश्चन हो गया क्वेश्चन नंबर टेन में आपको क्या कह है कैलकुलेट डे एंथेल्पी चेंज ऑन फ्रीजिंग सुना बेटा ऑन फ्रीजिंग वन मोल ऑफ वाटर पानी है आपका एट टेन डिग्री सेल्सियस टू आइस एट माइनस टेन डिग्री सेल्सियस आप कन्वर्ट क्या करना चाह रहे हो बेटा आप वाटर है एच टू लिक्विड है एट टेन डिग्री सेल्सियस उसको कन्वर्ट किस में कर रहे हो आप एच टू एट आइस एट माइनस टेन डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना चाह रहे हो ठीक है ना और आपको उसमें बहुत सारे डेटा दिए हैं अब ये प्रोसेस कैसे होगा बेटा पहले वाटर है अब देखो आपको डेटा देखोगे तो डेटा को क्या दिया है आपको मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर दिया है इट मीन्स वाटर की हीट कैपेसिटी अलग है लेकिन जब वाटर आइस में कन्वर्ट हो जाएगा तो उसकी हीट कैपेसिटी अलग है भाई ऑब्वियस है सॉलिड में कन्वर्ट होगा तो हीट कैपेसिटी अलग होगी वाटर की वाटर की हीट को एब्जॉर्ब करने की टेंडेंसी अलग है और सॉलिड की हीट को एब्जॉर्ब करने की टेंडेंसी अलग है सो so, आपको दो अलग अलग हीट कैपेसिटी है तो so, ऑब्वियस है आपको इस प्रोसेस को ब्रेक ब्रेक करके कन्वर्ट करना, करना पड़ेगा आपको एक हीट कैपेसिटी दोनों दिया है और साथ में आपको एन्थेरेपी ऑफ फ्यूजन दिया है वॉट इज एंथेलपी ऑफ फ्यूजन वन वन मोल ऑफ लिक्विड इज कन्वर्टेड इन टू वन मोल ऑफ सॉलिड देन द हीट रिक्वायर्ड इज नोन एज एनथेलपी ऑफ फ्यूजन फ्यूजन समझते हो ना बेटा फ्यूजन फ्यूजन मीन्स कन्वर्टिंग लिक्विड इन सॉलिड ट इज कॉल्ड एज फ्यूजन ठीक है यहां तक क्लियर है फ्यूज करना लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट करें दैट इज कॉल्ड एज फ्यूज करना तो बट अवर सॉल्व करो सब्सटूट करो सो अब इस प्रोसेस को हम चलेंगे अलग अलग प्रोसेस तो मैं आपको प्रोसेस अगर मैं लिख के बताऊँ तो प्रोसेस हम क्या क्या लिखेंगे पहले अब कन्वर्ट होगा एच टू ओ लिक्विड कन्वर्ट होगा जो कि टेन डिग्री सेल्सियस में वो पहले कन्वर्ट होगा एच टू ओ लिक्विड एट जीरो डिग्री सेल्सियस ये पहला स्टेप होगा फिर जाएगा सेकंड स्टेप जहां पे एच टू लिक्विड आपका कन्वर्ट होगा एच टू ओ सॉलिड एट जीरो डिग्री सेल्सियस जिसको हम एंड थेलेपी ऑफ फ्यूजन और फिर ये एच टू ओ सॉलिड कन्वर्ट होगा आपका एच टू ओ सॉलिड में जो कि होगा माइनस टेन डिग्री सेल्सियस में ये होगा आपका स्टेप नंबर थ्री सो अगर यहाँ पे हीट एक्सचेंज है डेल्टा एच वन इसमें हीट एक्सचेंज अगर डेल्टा एच टू इसमें ही टेक्सचेंड अगर डेल्टा एच थ्री तो चलो तीनों डेल्टा एच की वैल्यूज को अपन निकालते हैं आप लोग बोर्ड को बच्चे लोग पहले देखो आराम से सो so, पहले कन्वर्ट होगा एच टू लिक्विड आपका एच टू सॉलि लिक्विड में एट जीरो डिग्री सेल्सियस तक बिकॉज जीरो डिग्री सेल्सियस में उसका फ्यूजन स्टार्ट हो जाएगा फिर वो आइस पे कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा फिर लिक्विड से जाएगा सॉलिड में सॉलिड में कन्वर्ट हो गया अब सॉलिड जाएगा आपका किस माइनस टेन डिग्री सेल्सियस में सो so, डेल्टा एच वन कितना होगा बताओ डेल्टा एच वन कितना होगा अगेन इट इज़ एन डेल्टा टी बिकॉज आपको क्वेश्चन मोलर हीट कैपेसिटी दिया है दिस इज़ वॉट सी पी इज वॉट मोलर हिट कैपेसिटी तो मोलर हिट कैपेसिटी डेल्टा एच वन क्या होगा मोलर हिट कैपेसिटी ऑफ वाटर लेंगे आप सो इट इज एन कितने मोल्स हैं वन मोल्स वन इंटू मोलर हिट कैपेसिटी ऑफ वाटर कितना आपका सेवेंटी फाइव पॉइंट थ्री इंटू डेल्टा टी कितना होगा जीरो माइनस टेन फाइनल टेम्परेचर कितना है जीरो डिग्री सेल्सियस इनिशियल टेम्परेचर कितना है टेन तो जीरो माइनस टेन ठीक है so, ना तो ये डेल्टा एच वन कितना आ गया इट इज सेवन माइनस सेवन फिफ्टी थ्री माइनस सेवन फिफ्टी थ्री डायरेक्ट लिखता हूँ मैं माइनस so it. It एन आ गया अब आप कन्वर्ट कर रहे हो आपका डेल्टा एच टू क्या होगा वॉट इज डेल्टा एच टू इट इज एनथेल्पी ऑफ फ्यूजन अल्टीमेटली एक ही मोल है सो इट इज वन इन टू कितने मोल कितना ही ट्रिकता है 6.03 किलो जूल है बस ध्यान रखना बच्चा लोग तो उसको कन्वर्ट कर देना सिक्स जूल ये आपका डेल्टा एच आ गया और डेल्टा एच क्या हो जाएगा कितने मोल्स हैं इट इज वन इंटू अब आइस में कन्वर्ट हो चुका है अब आइस साइड जीरो डिग्री सेल्सियस आई साइड माइनस टेन डिग्री सेल्सियस जा रहे हो सो इट इज़ वन इंटू डेल्ट मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ आइस आइस कितनी है आपके पास क्वेश्चन में थर्टी सिक्स पॉइंट एट ये आइस की मोलर हीट कैपेसिटी है दैट इज थर्टी सिक्स पॉइंट एट इंटू डेल्टा टी फाइनल टेम्परेचर कितना है माइनस टेन इनिशियल टेम्परेचर कितना है जीरो सो माइनस माइनस जीरो डेल्टा टी सर टेम्परेचर और कैलविन कन्वर्ट क्यों बेटा चेंज इज़ ऑलवेज सेम चाहे वो सेल्सियस से निकालो चाहे कैलविन सी बस कैलविन कन्वर्ट करो तो कैंसिल कैंसिल हो जाता है सो ये वैल्यू भी कितनी आपकी आ गई माइनस थ्री सिक्सटी एट जूल्स दे आर फोर डेल्टा एच कितना हो गया पूरे प्रोसेस का आपको डेल्टा एच वन प्लस डेल्टा एच टू प्लस डेल्टा एच थ्री तीनों को बस आपको ऐड करना है और आपका आंसर आपके सामने होगा जूल्स में ध्यान रखो सभी आंसर वैलूस को जूल्स में कन्वर्ट पहला भी जूल्स में तीसरा जूल्स में तो सेकंड वाले को जूल्स में हमने कन्वर्ट किया बस काम खत्म क्लियर है चलिए एक क्वेश्चन को और सॉल्व करें अपन नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर इलेवन फटाफट सॉल्व करो एंथेल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सीओ गैस सी टू गैस एन टू ओ एन एन टू ओ फोर आर गिवन एस फाइंड डेल्टा एच ऑफ द रिएक्शन भाई सिंपल क्वेश्चन आपको रिएक्शन में जितनी भी स्पीशीज हैं एन टू ओ फोर सी एन टू ओ सीओ टू सबके एंथैलपी ऑफ फॉर्मेशन पता है सो so, जब भी आपको एंथेल्पी ऑफ फॉर्मेशन सबका पता हो तो हम बोले थे किसी भी रिएक्शन का डेल्टा आर निकाल सकते हैं इट इज एंथेल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट भाई सिंपल क्वेश्चन है यार आपसे इस रिएक्शन का डेल्टा आर पूछा गया है और आपको हर एक स्पीशीज का एंथेल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्वेश्चन में गिवन है ऑब्जर्व करो डेटा में एंथेल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ दिस सो हमने क्या बोला था किसी भी रिएक्शन का डेल्टा आर क्या होगा इट इज एंथेल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस एंथेल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट अगर आपको हर एक स्पीशीज का एंथेल्पी ऑफ फॉर्मेशन पता है तो आप किसी भी रिएक्शन का डेल्टा आर एस निकाल सकते हैं इट इज एंथेल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट फॉर्मूला है क्लास में किया अपन ने सीखा है सॉल्व कर दो बस प्रोडक्ट्स में कौन कौन है बेटा इट इज बेसिकली एंथेल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एन टू ओ प्लस थ्री इन टू एंथेल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी ओ टू ये प्रोडक्ट्स हो गए माइनस बड़ा ब्रैकेट बिकॉज रिएक्टेंट दो है माइनस एंथेल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एन टू फोर प्लस थ्री इंटू एंथेलपी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO सब्सट्यूट कर लेना बच्चा लोग बस वैल्यू सब्सट्यूट करनी है नेगेटिव साइन ब्रैकेट के बाहर है इसका बस स्पष्ट ध्यान रखें ये माइनस प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट है तो रिएक्टेंट के बाहर है ये सो so, जब फाइनेस वैल्यूज को सब्सिट्यूट करो बस ध्यान से करना खत्म सॉल्व करके रिएक्शन का डेल्टा आर एच आपके सामने आ जाएगा सबको क्लियर है यहां तक सबको क्लियर है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं वैसे हमारा तो, क्वेश्चन तो प्रीमियर है वैसे मैं आपको देख नहीं पा रहा हूं चर्च में बट आई थिंक आपको क्लियर है कॉन्सेप्ट ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ कार्बन टू सीओ टू दिया है आपको माइनस थ्री नाइनटी थ्री पॉइंट फाइव किलोजूल पर मोल जब कार्बन को आप बर्न कर रहे हो कंबशन मीन कार्बन का एक मोल आप बर्न कर रहे हो

क्वेश्चन में आपको एंथेल्पी ऑफ कंबशन ऑफ कार्बन दिया है कितना दिया क्वेश्चन में माइनस थ्री नाइनटी थ्री पॉइंट फाइव किलो जूल पर मोल ठीक है यह आपको एंथेल्पी ऑफ कंबशन क्वेश्चन में गिवन है तो चलो बेटा लिखो सी सॉलिड प्लस ओ टू गैस गिव सो टू गैस रिएक्शन ऑटोमेटिक बैलेंस भी हो गई भाई बहुत अच्छी बात

जब एक मोल कार्बन को बर्न कर रहे हो तो आपका कार्बन डाइऑक्साइड कितना मोल बन रहा है 40 एक मोल ही बन रहा है इट मींस इट मींस 44 ग्राम ऑफ CO2 जब फॉर्म होता है जब फॉर्म होता है तब एंथैल्पी चेंज कितना है -393.5 किलो जूल समझने की कोशिश करो भाई एक मोल मैंने कार्बन को बर्न किया तो मेरे को CO2 का भी 1 मोल बन रहा है स टू के फोर्टी फोर ग्राम के बर्न करने से फॉर्म होने से माइनस थ्री जूल थ्री पॉइंट फाइव हो की है मुझसे क्वेश्चन में कितने का पूछा है बस लगा दो। ग्राम जब फॉर्म होगा, तब कितनी हीट हीट रिलीज़ रिलीज़ होगी? होगी, होगी। ये किलो जूल ऑफ क्या यूनिटरी मेथड बात सिंपल मैथमेटिक्स सबको समझ में आ रहा है क्या गलती से यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड कोफिशन टू होता है ना तो बेटा फोर्टी एटी एट ग्राम लेते बिकॉज आपको एन्थैल्पी ऑफ कंबशन रिएक्टेंट के रेस्पेक्ट में डिफाइंड है तो रिएक्टेंट का तो एक ही मोल जलना चाहिए प्रोडक्ट चाहे कितना ही बन जाए नेक्स्ट क्वेश्चन गिवेन दैट एन गैस प्लस गैस गिवस टू अमोनिया प्लस अच्छा ये बना इस रिएक्शन का डेल्टा एच आर आपको गिवन है नाइनस नाइन्टी टू पॉइंट फोर किलो जूल पर मोल ठीक है व्हाट इज द स्टैंडर्ड एंड थेल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया अरे यार बहुत ही ईजी सवाल बहुत ईजी सवाल क्वेश्चन को देखते ही चमक जाना चाहिए भाई अपने दिमाग में तो क्या दिया है क्वेश्चन में यार यार आपको दिया है कि जो एन टू गैस प्लस थ्री एच टू गैस जब कन्वर्ट हो रही टू अमोनिया गैस और आपको इस रिएक्शन का उसने डेल्टा आर एच दे दिया कितना माइनस नाइन्टी टू पॉइंट फोर किलोजूल पर मोल आपसे एंथेल्पी ऑफ़ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया पूछ रहा है अमोनिया का एंथेल्पी ऑफ फॉर्मेशन बताओ आपके दिमाग में क्या होना चाहिए बेटा आपको रिएक्शन दिया आपको ऑफ फॉर्मेशन पूछ रहा है तो कहीं ना कहीं इस रिएक्शन के डेल्टा आर को एंथेल्पी ऑफ फॉर्मेशन के रिस्पेक्ट में सोचो चलो सोचते हैं सर तो डेल्टा आर क्या होता है इट इज एंथेल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट प्रोडक्ट अमोनिया इसी का तो पूछा है चलो ये तो अननोन है रिएक्टेंट साइड एन टू एर एच टू एन टू एच टू का एंथेलपी फॉरेशन क्या होता है गैस गैस और H2 का ऑफ फॉर्मेशन क्या होता है जीरो होता है तो जो भी इक्वेशन बनेगी उसमें अननोन क्या है अनु एंथेलपी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया भाई साहब एंथेलपी ऑफ एनी रिएक्शन कैन बी रिटन एज एंथेलपी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस एंथेलपी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट सो प्रोडक्ट में चलो ठीक है ऑल्सो वी नो दैट कि एज पर दी सी कन्वेंशन ऑफ़ ऑफ़ फॉर्मेशन गैस कितना रहेगा जीरो रहेगा एनथेल्पीशन ऑफ फॉर्मेशन एन टू गैस क्या है क्या लिखोगे डेल्टा आर एच क्या लिखोगे सो इट इज टू इन टू एंथेल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया माइनस एच एन टू का जीरो O2 का जीरो इज इक्वल्स टू एंथेल्पी चेंज ऑफ दिस रिएक्शन जो कि कितना है माइनस नाइन्टी टू पॉइंट फोर देर एनथेल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया कितना आ गया आपका माइनस नाइन्टी टू पॉइंट फोर डिवाइड बाई ट माइनस फोर्टी सिक्स पॉइंट टू किलो जूल दे देगा आपको मैं एक बार हाइड कर लूँ आप लोग बोर्ड को अच्छे से देख लो मैंने इस रिएक्शन का डेल्टा आर एच लिखा ये डेल्टा आर एच लिखा विच इज एंथेल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट सॉरी प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट प्रोडक्ट्स में क्या है टू टाइम्स ऑफ एंथेल्पी अमोनिया माइनस रिएक्टेंट में क्या इन टू ओ टू एच टू दो बच्चा इज इक्वल्स टू माइनस टू पॉइंट फोर एक ही of of harmonia, निकल के वही पूछा है ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कैलकुलेट कैलकुलेटेड स्टैंडर्ड एनथेलेशन ऑफ सी एच थ्री ओ एच लिक्विड आपको एंथेल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी एच थ्री ओ एच लिक्विड पूछ रहा है फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा क्या डेटा दिया है एक रिएक्शन लिखी है जहां सी एच थ्री एच को लिक्विड को आग लगा रहे हैं और इस रिएक्शन का डेल्टा आर एच रखा है आपको इसी सी एच थ्री एच का एंथेल्पी ऑफ फॉर्मेशन पूछ रहा है कहीं ना कहीं आपके दिमाग में ट्रिगर करना चाहिए यार सर इस रिएक्शन का डेल्टा आर एच पता है तो क्यों ना इस रिएक्शन के डेल्टा आर एच को फॉर्मेशन के रेस्पेक्ट में लिख दू चलो लिखते हैं सर अगर फॉर्मेशन के रेस्पेक्ट में लिखूंगा तो मैं लिखूंगा एंथेल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट सो पहली वाली रिएक्शन में प्रोडक्ट ऑफ एंथेल्पी फॉर्मेशन ऑफ सी ओ टू पता नहीं सर देखते हैं कि नहीं एंथेल्पी फॉर्मेशन एच टू ओ देखते हैं पता कि नहीं माइनस एंथेल्पी फॉर्मेशन ऑफ ओ टू वो तो जीरो होता है माइनस एंथेल्पी फॉर्मेशन ऑफ सी एच थ्री ओ एच जो कि पूछा है तो कहीं ना कहीं आपके अननोन क्या है बेटा अगर इस पहली वाली रिएक्शन को मैंने फॉर्मेशन के रेस्पेक्ट में लिखा तो अननोन क्या है आपके पास आपके पास अननोन है एंथेलपी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सीओ टू एंड एनथेलपी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एच टू ओ जो कि शायद तक नेक्स्ट टू फॉर्मेशन हो दिया है देखो नेक्स्ट वाली इक्वेशन क्या लिखी है ये इक्वेशन लिखी है एथेल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सीओ टू की लिखी बेटा वन वन मोल ऑफ सी ओ टू इज फॉर्म फ्रॉम द एलिमेंट्स इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट स दिस रिएक्शन इज एंथेल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इसको हम क्या बोलेंगे दिस रिएक्शन इज ऑफ ऑफ फॉर्मेशन यस मैं बोल सकता हूं यहां भी यही हो रहा है यहां पे भी एच टू ओ लिक्विड का एक मोल बन रहा है किससे बन रहा है देखो फ्रॉम द एलिमेंट्स इन द स्टैंडर्ड स्टेट यस वी कैन राइट दैट दिस इज एंथेल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एच टू ओ लिक्विड इट मीन बच्चा लोग आपको इस रिएक्शन का एंथेल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एच टू लिक्विड पता है आपको एंथेल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सीओ टू पता है आपको एंथाल्पी ऑफ़ फॉर्मेशन ऑफ़ O2 पता है जो कि जीरो है और आपको एंथाल्पी ऑफ़ फॉर्मेशन ऑफ़ CH3OH लिक्विड पूछा है CH3OH आप लिक्विड का आपका एंथाल्पी फॉर्मेशन पूछा है एक ही अननोन सॉल्व हो जाएगा लिख के देख लेते हैं फिर भी चलो तो so, आपका CH3OH लिक्विड CH3OH लिक्विड प्लस 3 by 2 O2 गैस स प्लस टू एच टू ओर लिक्विड इस रिएक्शन का एंथैल्पी चेंज आपको क्वेश्चन में कितना देखा है डेल्टा हर एच कितना देखा आपको माइनस सेवेंटी ट्वेंटी सिक्स पर मोल तो इस रिएक्शन के एंथैल्पी चेंज को मैं लिख सकता हूँ फॉर्मेशन के रख सकते हैं इट इज एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट सो मैं क्या लिखूंगा इट इज टू टाइम्स एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एच टू ओ लिक्विड प्लस enthalpy ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी ये प्रोडक्ट हो गया माइनस एंथेल्पी of formation ऑफ रिएक्टेंट क्या आएगा enthalpy ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी एच थ्री ओ एच प्लस थ्री बाई टू इन टू एंथेल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ओ टू और मैं बोर्ड एक बार आप लोगों के सामने बोर्ड व्यू कर दूं सो so आप देखेंगे बच्चा लोग इसमें एंथेल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ओ टू क्या है आपका जीरो है आपको ये अननोन है ये पूछा है इस क्वेश्चन में डेल्टा आर एच आपको क्वेश्चन का क्वेश्चन का गिवन है इस रिएक्शन का डेटा आरच कितना पता आपको? 70, 70, है of of CH... आपको माइनस सेवन सिक्सटी है ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी एच सी ओ टू आपको क्वेश्चन में ये रहा एनथेल्पी फॉर्मेशन टू क्या रहा ये रहा सब स्टूट करो सॉल्व करो आंसर आ जाएगा ये सब क्वेश्चन में ट्रिगर करना चाहिए कि क्वेश्चन में आपसे एंथेल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी एच थ्री ओ एच लिक्विड पूछा है और आपके पास उस रिएक्शन का डेल्टा आर एच दिया है ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं मैं बोर्ड व्यू में आ जाऊं चलो मिस्टर इंडिया खत्म हुए चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो इस क्वेश्चन में जो दिया है ना ये क्वेश्चन में थोड़ा सा डेटा प्रॉपर तरीके से मेंशन नहीं है क्वेश्चन में क्या गिवन है कैलकुलेट एनथेल्पी चेंज फॉर द प्रोसेस प्रोसेस में क्या क्या लिखा आपको सी सी एल फोर गैस कन्वर्ट्स टू सी गैस प्लस फोर सी एल गैस आपको इस पर्टिकुलर रिएक्शन का एंथेल्पी चेंज आपसे पूछा है इस रिएक्शन का डेल्टा आर एच आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है एंड आपको क्वेश्चन में क्या है एंड ऑल्सो कैलकुलेट द बॉन्ड एनथेलपी ऑफ सी सी एल इन सी सी एल फोर सी सी एल फोर में आपको उसका क्वेश्चन में बॉन्ड एंथेलपी भी पूछा है क्वेश्चन में वो गिवन है आपको एंथेलपी ऑफ वेपराइजेशन ऑफ सीसीएल फोर दिया है सीसीएल फोर को जो वेपराइज करोगे वेपराइज मीनस अल्टीमेटली एनथेलपी ऑफ वेपराइजन ऑफ सीसीएल फोर लिक्विड दिया आपको आपको एंथेलपी ऑफ फॉर्मेशन डेल्टा एच एफ ऑफ फॉर्मेशन दिया है यहां पे इसको मेंशन करना चाहिए था बस इस क्वेश्चन में मिस्टेक बोलूंगा मैं ये जो एंथेलपी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी सी एल फोर यहां पर इसको लिक्विड देना चाहिए था कि यहां पे एंथेलपी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी सी एल फोर लिक्विड दिया है क्यों है बिकॉज आई फाइनली अगर आपको सारा डेटा यूज करना है तो कहीं ना कहीं उसने क्वेश्चन में थोड़ी सी गलती दी है यहां पे इसको एंथेलपी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी सी एल फोर लिक्विड इसने क्वेश्चन में गिवन है आपको एंथेल्पी ऑफ एटोमाइजेशन ऑफ कार्बन दिया है और आपको एंथेल्पी ऑफ एटोमाइजेशन ऑफ सी एल टू गैस दिया है ठीक है देखो कैसे डील करते हैं अपन इस क्वेश्चन को अब मेरे पास हिंट है यार क्वेश्चन में बॉन्ड एंथैल्पी पूछा है इट मीन्स कहीं ना कहीं इस रिएक्शन में बॉन्ड एंथैल्पी का जो डेल्टा एच का एक्सप्रेशन है वो यूज़ करना पड़ेगा मेरे को कि बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस बॉन्ड एनर्जी प्रोडक्ट जो हमने पहले पढ़ा हुआ है तो पहले आपको इस एक्सप्रेशन को एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी को एक्सप्रेशन को लिख दो सो so आपको क्या रिएक्शन किवन है आपके पास रिएक्शन गिवन है एंथेल ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी लिक्विड लिखो इसका एक्सप्रेशन सो आपको सी लिक्विड का एक, so, एक मोल बनाना है फ्रॉम द एलिमेंट्स इन द स्टैंडर्ड स्टेट तो आप कहां से बनाओगे बेटा कार्बन सॉलिड से आप कहां से बनाओगे बेटा कार्बन सॉलिड से साथ ही साथ आपको सी सी एल फोर का वन मोल बनाना है फ्रॉम द एलिमेंट्स इन द स्टैंडर्ड स्टेट इट मीन्स कार्बन सॉलिड प्लस सी एल फोर इट मीन्स आपको दो क्लोरीन के मॉलिक्यूल्स लेने पड़ेंगे सो टू सी एल टू गैस इस एक्सप्रेशन का डेल्टा एच आपको क्वेश्चन में कितना आपको? आपको इट इस किलो जूल। बस अब पे थोड़ी सी मेहनत है। एक्सप्रेशन के डेल्टा एच को लिखना है बॉन्ड बॉन्ड एनर्जी एनर्जी के टर्म्स में। सो so तो इट इस ऑफ़ रिएक्टेंट माइनस मैंने अपने फॉर्मूले को अपडेट किया था कि जब बॉन्ड एनर्जी का एक्सप्रेशन लिखते हैं रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट तो आपको पहले सभी स्पीशीज को गैशियस फेस में कन्वर्ट करना होता है बिकॉज बॉन्ड एंडेल्पी की डेफिनेशन थी इट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट द वन मोल ऑफ गैशियस सब्सटेंस इन टू रेस्पेक्टिव एटम्स उसको मॉलिक्यूल को उसके रेस्पेक्टिव एटम्स में गैशियस मॉलिक्यूल को तो आपको पहले बॉन्ड एनर्जी की डेफिनेशन थी सो दिस डेल्टा आर एच इज इक्वल टू बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स माइनस बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स बट ये फॉर्मूला बस आपको लगाना है ध्यान रखें रिएक्टेंट्स को पहले आप कन्वर्ट किस में, करेंगे? में. तो बॉन्ड एनर्जी टू बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट मीन कार्बन अब कार्बन को कार्बन तो ऑलरेडी एटम फेस में ऑलरेडी ब्रोकन स्टेट है बट को पहले आप गैशेस फेस में कन्वर्ट करोगे जो कि आपको दे रखा है डेल्टा एच एटोमाइजेशन कितना दिया आपको सेवन प्लस टू इंटू बॉन्ड एनर्जी ऑफ सी एल टू बॉन्ड एनर्जी ऑफ सी एल टू आपको टू फोर्टी टू सो इट इज टू इंटू टू फोर्टी टू माइनस प्रोडक्ट अब जो सीसीएल फोर है ना बेटा लिक्विड स्टेट है पहले उसको वेपराइज करो सो so, वेपराइज करो तो टेंेशन ऑफ सीसीएल फोर कितना है आपको थर्टी पॉइंट फाइव प्लस अब इस सीसीएल फोर में कितने बॉन्ड है बेटा चार बॉन्ड्स है सीसीएल बॉन्ड है चार सीसीएल बॉन्ड है सो इट इज फोर्थ इंटू बॉन्ड एनर्जी ऑफ सी सी एल बॉन्ड सभी बच्चे बोर्ड को देखो अच्छे से क्वेश्चन में सभी चीज वैल्यूज पता है आपको डेल्टा आर एच पता है 135.5 जो कि एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का डाटा है एंथैल्पी ऑफ एटोमेशन ऑफ कार्बन दिया है सी का बॉन्ड बॉन्ड एनर्जी दिया है वेपर फेस में कन्वर्ट करने का डाटा दिया आपको आपसे बॉन्ड एनर्जी ऑफ सीसीएल बॉन्ड पूछा है. एक ही अनोन है जो कि आपका सॉल्व करके आ जाएगा इस एक्सप्रेशन से ठीक है यहां तक सबको क्लियर है ठीक है चलिए सो लेट मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे पहले मैं बोर्ड व्यू में आ जाऊं इनफैक्ट हमारी क्लास काफी आगे बढ़ गई है सो so, हम कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन को हम नेक्स्ट क्लास में अटेंड करेंगे डिस्कस करेंगे सो लेट्स वाइंड अप दिस क्लास आज की क्लास को हम कंप्लीट करते हैं बिकॉज हमारा सेशन एक घंटे ज्यादा नहीं होगा सो so, अब नेक्स्ट क्लास में से क्या आगे डिस्कस करेंगे सो फॉर दैट आज की क्लास को यहीं कंप्लीट करते हैं एंड लेट मी टेल यू कि आपकी डेली ये सेशन तो प्रीमियर था बिकॉज हम दिवाली वैकेशन थे तो टीम हमारी लीफ में रहती है बट अरवाइज वी आर कमिंग ऑन द डेली बेसिस ऑन यूट्यूब और मैं आपको केमिस्ट्री के लिए रोज मिलूँगा ग्यारह बजे ठीक है ना सेम पैटर्न में आपकी ट्वेल्थ स्टैंडर्ड की टाइमिंग्स है ट्वेल्थ ट्वेल्ल भी आपकी क्लासेस स्टार्ट होती है राइट फ्राम वन पी एम फिर आपकी ट्वेल्थ स्टैंडर्ड की क्लासेस चलती है कंटिन्यूअस्ली ऑन दी यूट्यूब ऑल्सो यू कैन गो फॉर द आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन ये सर आइकोनिक सब्सक्रिप्शन क्या है एक एडिशनल पार्ट है जो आप लोगों के लिए अनएकैडमी लेके आ रहा है वॉट इज एडिशनल बेनिफिट का आइकॉनिक का यार यार आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में आपको एक पर्सनल मेंटर भी अलग से एलोकेट होगा प्लस की पढ़ाई तो कर ही रहे हैं आपको एक मेंटर एलोकेट होगा और वो मेंटर क्या करेगा यार एज अ स्टूडेंट आई नो कि आपको बहुत सारी क्वेरीज होती हैं टाइम टू टाइम आपके मन में थाट्स आते हैं कि हम कैसे पढ़ें क्या करें कैसे टाइम टेबल बनाऊँ कितना घंटा ये पढ़ूँ कब मैथ्स को टाइम दूँ कब फिजिक्स को टाइम दूँ कितना केमिस्ट्री को टाइम ये सब चीज़ें यार आपके मन में बहुत सारी क्वेरीज आती हैं ये है ये ये सब चीज़ें मैं कोई आपको चाहिए जो ऊपर से आपको सबको यू नो आपको पूरा कंप्लीट कर दे हम बहुत दूर बैठे हैं अल्टीमेटली उस पार्ट को हम ओवरकम कर रहे हैं इस आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन से अब आप हम आप, आप पास में कनेक्ट हो रहे हैं कनेक्ट कैसे करें पर्सनल मेंटर के थ्रू वो पर्सनल मेंटर आपको क्या करेगा आपके लाइफ डाउट सॉल्विंग सेशन क्रिएट करेगा प्लस आपकी वीकली रिपोर्ट बनेगी जो कि आपको हेल्प करेगी कि आपकी मॉनिटरिंग होगी भाई तुम कितना कर रहे हो कितना नहीं बेस्ट पार्ट कि आपके पेरेंट्स भी कनेक्ट हो जाएंगे ठीक है ना एंड ऑल्सो दे विज स्टडी प्लानर एंड प्लस के बेनिफिट्स तो आपके पास हैं ये पर्सनल मेंटर आपको बस टाइम टू टाइम गाइड करता रहेगा ओवरऑल आपको गाइड करता रहेगा चल आज की क्लास इतनी हुई इतना अटेंड करना था टाइम टेबल प्लान करना शेड्यूल प्लान करना जो you ना know, आपके कुछ इश्यूज आ रहे हैं हैंडल करना कैसे सर इनमें ओवरकम करके अपने क्लासेज में परफॉर्म अच्छा करूँ सर मेरा सब्जेक्ट वीक है कहाँ पढ़ूँ कैसे पढ़ूँ ये सभी चीज़ होता है ना एक मैंटर एक टीचर जो कि ऑलरेडी इतने सालों से बच्चों को एंटरटेन कर रहे हैं वो आपको क्या करेगा हेल्प कर देगा ठीक है सो यू कैन ऑलसो ज्वाइन आर क्रिएटिव कॉर्नर क्लासेस जो कि हर मंथ बेसिस होंगी आप लोगों को ओवर ऑल डेवलपमेंट के लिए बच्चा लोग जो कि क्लासेस बहुत शानदार है आप अपनी हॉबीज़ के अकॉर्डिंग अपनी पंद के अकॉर्डिंग इन सेशनस को अटेंड कर सकते हैं ठीक है नॉ नेक्स्ट थिंग इज बच्चा लोग प्लीज डू नॉट वॉ गेट टू ज्वाइन दिस चैनल ऑन टेलीग्राम डैट इज लाइफ डेली डॉट मी स्लैश चैट इस चैनल को आप अपने टेलीग्राम में ज्वाइन कर लो बिकॉज इन चैनल के थ्रू हमसे अपडेट आपसे बातें करते हैं आपको हमारे जितने भी अपकमिंग सेशन है से उसके बारे में आपको अपडेट कराते रहेंगे ठीक है नौ नेक्स्ट द इम्पॉर्टेंट थिंग दैट इज़ सर अन अकेडमी सब्सक्रिप्शन अब मैं आपको बोलूँ बच्चा लोग जिन बच्चों ने अभी तक ये डिसीजन ले नहीं पाए हैं तो बोलूँगा भाई आप लेट मत करूँ हम ऑलरेडी आधा साल अगर आप लोगों ने सोचते ही सोचते ही निकाल दिया कि भाई हमको अनअकेडमी लेकर सब्सक्रिप्शन लेने के लिए नहीं सो आई थिंक अब ये टाइम ऐसा आ गया क्रूशल टाइम है आपके मिड टर्म्स हो चुके हैं ना आपका टाइम आ गया कि अब आप फाइनल एग्जाम्स की तरफ मूव करने वाले हो अब वहाँ पर पूरा का पूरा सिलेबस पूछा जाएगा तो so, अब आपके पास कि आपको लगता है कि अगर कोई चैप्टर के बैकलॉग्स हैं तो प्लीज़ प्लीज़ ज्वाइन ऑन प्लस रिकॉर्डेड सेशन देखो और अपनी लाइव क्लासेस में अपने डाउट्स को पूछो कोई चैप्टर करंट चैप्टर पढ़ रहा है तो बेटा अच्छी बात है आप लाइव लाइफ क्लासेस अटेंड करो उन करेंट चैप्टर्स को पढ़ो बिकॉज बहुत सारे एडूकेटर्स हैं हो सकता है कोई ना कोई चैप्टर आपको जो पढ़ना है बेटा वो लाइव क्लास में कहीं ना कहीं चल रहा होगा हर एक एडुकेेटर्स का अलग अलग शेड्यूल चल रहा है टाइम टेबल चल रहा है तो उनके अकॉर्डिंग वो क्लास जैसे मैं अभी थर्मो पढ़ा रहा हूँ सो कैन प्लान अकॉर्डिंगली थर्मोडाइनिक्स लाइव पढ़ना है सर अरे सर आ जाओ सो यू कैन इंटरेक्ट विद एडुकेटर द क्लास सबसे बेस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यार यार क्लास में मैं यूट्यूब में सेशन में पढ़ा रहा हूँ लेक्चर आज की क्लास का एग्जाम्पल रहते हम आपको पढ़ा रहे हैं पढ़ते पढ़ते मान के चलो मैं मान के चलो आपको समझ में आ रहा है बट हो सकता है आपको समझ में नहीं आया हो भाई ये तो मैं एज अ टीचर मेरे को लग रहा है हाँ सबको समझ में आ रहा है बट आई थिंक हो सकता है कि कुछ पॉइंट में आपको क्लरिफिकेशन इतनी एक्जैक्टली exactly नहीं आई हो वहाँ पर एटलीस्ट आप पिंच कर पाओगे सर इसको ये पॉइंट मेरे को समझ में आए उस समय एडुकेटर अपना रोल प्ले करेगा एंड ईज गोइंग टू एक्सप्लेन दट पर्टिकुलर पॉइंट इन डिफरेंट मैनर एक एग्ज़ाम्पल दे के एक नया रियल टाइम एग्जाम्पल दे के आपको समझाएगा और यही तो एक असली रियल क्लास रूम की एक खासियत होती है यार कि सर आप जब क्लास में बैठे हो तो आपको ओवरऑल क्लास की लर्निंग हो रही है सो यस यू हैव डाउट लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन हमारे लाइव डाउट क्लियरिंग सेशनस होते हैं हमारे लाइव पोल्स होते हैं टेस्ट सीरीज होते हैं लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन मीन्स हम हर चौथी क्लास डिफॉल्ट आपके लिए सिर्फ डाउट्स की क्लास है आप डाउट्स पूछो अपने नहीं पूछो कि हम कुछ पढ़ा देंगे लेकिन आप डाउट्स पूछो जो भी जितना पढ़ा भी था जितने अपने मन में डाउट्स आते हैं उनसे डाउट्स पूछो भाई अनाप शनाप डाउट्स आते हैं बच्चों के मैंने देखा है क्वेश्चन सॉल्व कर दो लेके आओ क्वेश्चन की फोटो लिया अदरवाइज आप डाउट्स पूछो ठीक है सो इंडिया बेस्ट एडिकेटर्स ऑफ वर्किंग अन अकेडमी ढूंढ ढूंढ के बच्चा लोग आप लोगों के लिए अन अकेडमी इतने शानदार टीचर्स लाया सो प्लीज टेक द बेनिफिट ऑफ दैम उनसे पढ़ो हर एक सब्जेक्ट को पढ़ाने वाले बहुत शानदार शानदार एडिकेटर्स है जो पढ़ा रहे हैं यार अन अकेडमी प्लस में ठीक है ना आप जाओगे तो केमिस्ट्री ऐसा नहीं आप अभ्यास से परेशान हो आप अभ्य नहीं पढ़ना है बहुत सारे एडिकेटर्स है भाई आपने एक बार सब्सक्रिप्शन लिया आप कहीं भी पढ़ सकते हो ये आर नॉट बाउंडेड टू सिट इन द पर्टिकुलर क्लास ठीक है सो यस हाउ टू ज्वाइन सर यार अन अकेडमी का लर्निंग ऐप इंस्टॉल करिए इंस्टॉल करने के बाद आपसे पूछा जाएगा आपको कौन सा कैटेगरी में आपको क्लास करनी है जैसे सी बी एस ई इलेवेंथ ट्वेल्थ नाइन्थ टेंथ या फिर जेई नीट जौन से विंग में आपकी प्रिपरेशन कर रहे हो सेलेक्ट करो सब्सक्रिप्शन लो ना आफ्टर यू गो फॉर द सब्सक्रिप्शन ये भी थोड़ा ट्रिकी पार्ट अब यहाँ पे बच्चों को कन्फ्यूजन हो हम क्या करें बिकॉज यहाँ पे आपको अलग अलग मंथ्स के पैकेजेस मिलेंगे वन मंथ थ्री मंथ सिक्स मंथ्स देखो वन मंथ थ्री मंथ सिक्स मंथ्स कब होता है जब मेरा अगला महीने एग्जाम होता और मेरे को सिर्फ ट्वेल्थ का एग्जाम है बस एक महीना कुछ टॉपिक पढ़ के निकल जाना है बस खत्म बट आपके साथ ऐसा नहीं है आपको पूरी इलेवेंथ अभी सिक्स मंथ्स पढ़नी है इसके बाद एक साल आपको ट्वेल्थ भी पढ़ना है सो आई थिंक द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू राइट नाउ नॉइज एटीन सब्सक्रिप्शन बट स्टिल यू कैन ऑलसो फॉर द टू ईयर्स ऑल्सो आपको टू ईयर्स का भी ले सकते हो बट टू ईयर गोइंग टू बी वट हो सकता है दो तीन महीना आपका वेस्ट हो जाए बट स्टिल आपको ओवरऑल पर मंथ कॉस्ट क्या कमी पड़ती है यहाँ पे इट इज ट्वेंटी टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड फॉर द टू ईयर्स फॉर द टू ईर्यस ध्यान रखना ये डिस्काउंटेड प्राइस है एंड इन ऑर्डर टू गेट दिस प्राइस आपको एक कोड यूज़ करना है ए के सी लाइफ ये कोड है जो आपको टेन परसेंट डिस्काउंट आपको एन अकेडमी के थ्रू मिल जाएगा तो बच्चा लोग इस कोड को ध्यान रखें ए के सी लाइफ ठीक है एंड यू कैन गेट अ डिस्काउंट ऑन योर सब्सक्रिप्शन जो भी सब्सक्रिप्शन लेंगे आप उसमें आपको डिस्काउंट मिल जाएगा ठीक है ना सो आई थिंक द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू राइट नाउ नॉर एटीन उसका प्राइस मेरे टाइम में नहीं विजिबल नहीं अभी बट आपको वेबसाइट में जाओगे तो आपको 18 मंथ का प्राइस दिख जाएगा जो 13 और 22 के सॉरी 22 से थोड़ा सा ए, ए 13 और एटी ट्वेंटी के बीच में कहीं होना चाहिए ठीक है एंड दिस इज द प्राइस फॉर दी वन ईयर बट आई सजेस्ट कि आप लोग एक साल का मत लो यार बिकॉज वहां पे आके इस पर्टिकुलर टाइम पे आप अटक जाओगे ट्वेल्थ का भी छह महीना बचा वो क्रिशियल टाइम होता है बहुत यहाँ बहुत सारे प्रैक्टिस सेशंस यू नो 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 रिविजन सेशन चलते हैं जो कि बहुत काम के होते हैं क्रैश कोर्स है सो आई थिंक यू शुड एप्ट फॉर मिनिमम एटीन मंथ्स या फिर टू ईयर्स कैन ऑल्सो प्लान इट ठीक है सो so, बच्चा लोग मजा आया तो, तो प्लीज चैनल को लाइक करो सब्सक्राइब करो एंड डू नॉट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियोज बिकॉज अल्टीमेटली इस वीडियोज़ में कुछ ना कुछ है जो आपको सीखने को मिला है तो डो नॉट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो अपने दोस्तों तक भेजो लेट मेम ऑल्सो ज्वाइन दिस पर्टिकुलर सेशन ऑफ अन अकेडमी ठीक है हमारे और भी चैनल्स हैं आप सभी चैनल्स को ज्वाइन कर सकते हैं अन अकेडमी नीट जे ई नाइन टेंथ टेंथ ऐसे और भी चैनल्स हैं सभी चैनल्स में डेली लाइव क्लासेस हो रही हैं सो so, आप एज पर योर रिक्वायरमेंट, एज पर योर कॉम्पिटेटिव एग्जाम आप जिसकी तैयारी करें आप उन चैनल्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं ठीक है आराम से सो so, बच्चा लोग यूज दिस कोड एके सी लाइफ एंड गेट टेन परसेंट डिस्काउंट ऑन योर सब्सक्रिप्शन सी यू अगेन टुमारो केयर गुड बाय हम आगे कंटिन्यूशन करेंगे बाय बायरी